हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 20 पॉइंट्स के बारे में जो बिना कुछ बोले भी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, और अगर इन पर ध्यान देकर ठीक कर लिया जाए तो किसी दूसरे इंसान को इम्प्रेस करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ आपके पार्टनर को ये बताने के लिए नहीं है कि आपका मूड अच्छा है या नहीं, बल्कि ये बिना एक वर्ड बोले बातचीत करने का एक साइंटिफिक प्रूवन तरीका है। यहां तक एक रीसेंट स्टडी में पता चला है कि सिंपल नॉड करने से या अपने सर को नीचे करने से एक अजनबी को आपके इमोशनल स्टेट के बारे में पता चल जाता है। हम ये सोच सकते हैं कि बोलना सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल एक्सप्रेशन होता है, मगर रिसर्च से ये पता चलता है कि बॉडी लैंग्वेज इससे बड़ा रोल प्ले करती है। बॉडी लैंग्वेज टेंशन और रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग का एक छुपा हुआ सोर्स हो सकता है। एक स्टडी से पता चला है कि जब अपने लाइक्स और डिसलाइक बताने की बात आती है तो 55% जो आप कम्युनिकेट करते हैं वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है। जो वर्ड्स आप चूज करते हैं वो सिर्फ 7% अकाउंट करते हैं, और आपकी आवाज की टोन 38%। दूसरी रिसर्च से ये पता चलता है कि जितना हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें नॉन वर्बल बिहेवियर 70% अकाउंट करते हैं। जब आपको पता चल जाता है जिस तरीके से आप मूव करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज आपको ऐसे पॉइंट पर ले जाएगी जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। मगर जब आप अवेयर नहीं होते हैं तो आप अनजाने में ऐसे सिग्नल भेज देते हैं जो आपकी फीलिंग्स या थिंकिंग से मैच नहीं करते। अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हो तो ये पता लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले कि आप बताए गए 20 पॉइंट में से किन पॉइंट का यूज कर रहे हैं या नहीं। भले ही सारे पॉइंट में एक्सेप्शन हो, लेकिन कुछ पॉइंट आपको ऐसे लगेंगे जो कि आपके इंटरेक्शन के समय काफी मदद कर सकते हैं। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो इमीडिएटली कर दें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जिस तरीके से आपके पैर पॉइंट कर रहे हैं वो बताएगा कि आप कन्वर्सेशन के लिए ओपन हैं या नहीं। अगली बार जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में हो और आपको नहीं पता हो कि सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड है या नहीं, तो उनके पैरों की तरफ देखें। लोगों के पैर उनकी तरफ होते हैं जिनसे वो बात करना चाहते हैं। अगर उनके पैर दूसरी तरफ हैं तो वो आगे कॉन्टिन्यू नहीं करना चाहते। अगर आप बैठे हुए हैं तो उनके पैरों की पोजिशन पर अटेंशन दें। अगर किसी के पैर आपकी तरफ हैं तो ये एक अच्छा साइन है। कुछ बेहतर देखने के लिए इधर उधर देखना। लोग अपनी बोरियत को बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत बार वो दिखाना नहीं चाहते, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से दिख ही जाता है। वैसे ही एक तरीका है जब हम बोर होते हैं तो इधर उधर देखना। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं तो वो आपसे बात करने के अलावा कुछ और ढूंढ रहे हैं। ये हमेशा एक बुरा साइन होता है। ये ध्यान रखें, क्योंकि अब स्मार्टफोन सबके पास है तो जब आप उनसे बात कर रहे होंगे वो लोग अपना फोन निकालेंगे और अपना सोशल मीडिया चेक करने लगेंगे। इसका मतलब एक ही है। एक ब्लैंक फेस का मतलब ये हो सकता है कि आप डरे हुए हैं। किसी का फेशियल एक्सप्रेशन उनकी फीलिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है। हालांकि कुछ लोग अपने एक्सप्रेशन को छुपा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग खुली किताब की तरह होते हैं। अगर कोई आपको खाली कोल्ड फेस से देख रहा है या घूर के देख रहा है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। शायद वो सुनने के लिए तैयार ना हो जो आप कहना चाहते हैं, या वो आपसे डरे हुए हैं। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। उन्हें एक चांस दें। अगर वो अनकंफर्टेबल फील करें और देखें कि उनके एक्सप्रेशन वार्म होते हैं और उनकी आंखें एक स्माइल के साथ और खुलती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो शायद ये इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। डेस्क की तरफ लीन करना। अगली बार जब आपकी आपके बॉस के साथ मीटिंग हो तो ये देखें कि वो आपके डेस्क पर कैसे खड़े हुए हैं। अगर वो आपके डेस्क में लीन करते हैं और उनके हाथ खुले हैं तो रिसर्च शो करती है कि आपके मैनेजर की डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है और उन्हें लगता है कि उनके पास सारी पावर है। ये अच्छी चीज है या बुरी इस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अपनी आईब्रोज को कसना या जॉ को टाइट करना। दूसरे ये सोच सकते हैं कि आप कंफ्यूज्ड और गुस्से में हैं। यह आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स हो सकता है, लेकिन ऐसे सिग्नल ये दिखा सकते हैं कि आप दुखी हैं या फिर आपको दूसरों की बात समझ नहीं आ रही है। इसे ट्राई करें। जब आप अपने सर को कॉन्शियसली रिलैक्स कर रहे हो तो शीशे में देखें, फर्क देखें और नोट करें वो कैसा फील करता है। फिर जब अगली बार जब आप बाहर हो तो थोड़ा सा टाइम लें और पक्का करें कि आपका फेस टेंस ना हो। और अगर आप अपने आप को कंफ्यूज देखते हैं तो उसके बारे में बात करें। आपका पोस्चर। जब चीजें लोगों की तरफ नहीं जा रही होती हैं तब वो कहते हैं कि वो सुस्त फील कर रहे हैं, और इसके पीछे एक रीजन है। साइंस कहती है कि कंधों के झुके होने से आप स्ट्रेस्ड और सैड फील कर सकते हैं।
सीधे खड़े होना आपको पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होने में मदद देगा। अगर आपको सीधे खड़े होने में कोई दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से चेक करवाएं कि आपको कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं है और अपने पोस्चर को सीधा करें। हाथों को बांध कर रखना, आपसे इंटरेक्ट करते समय अगर कोई अपने हाथों को क्रॉस करता है तो ये डिफेंसिव या बंद होने का साइन है, और इसी टाइम क्रॉस हाथों के साथ अगर कोई जेन्युइन स्माइल देता है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड हैं। जब आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो अपने हाथों को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। आप क्लोज्ड और अनअप्रोचेबल दिखना नहीं चाहते हैं। हाथों को जेब में रखना, अगर आप सोशल इंटरेक्शन के टाइम अपने हाथों को अपने पॉकेट में रखते हैं इसका मतलब ये हो सकता है कि आप ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इंसान सेल्फ कॉन्शियस है और उन्हें नहीं पता है कि उन्हें अपने हाथों के साथ क्या करना चाहिए। किसी भी सोशल या प्रोफेशनल सेटिंग में अपने हाथों को पॉकेट में ना रखें, क्योंकि ये आपको इनसिक्योर दिखाता है। इस इनसिक्योरिटी का मेन रीजन कॉन्फिडेंस का ना होना हो सकता है, और हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस का सीधा कनेक्शन हमारी नॉलेज से होता है। जिस भी चीज में हमें नॉलेज होती है उस बारे में बात करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होता है। इसलिए अपनी नॉलेज पर कंसिस्टेंट काम करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप हमारी सारी वीडियोस तो देखते ही हैं। उसके साथ साथ आप कुको एफएम पर भी ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। कुको एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप दुनिया की बेस्ट हजारों किताबों को बायोग्राफीज और स्किल्स के बारे में सीख सकते हैं। बेस्ट चीज ये है कि इसके लिए एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, आप ट्रैवल करते हुए काम करते वक्त भी इसे सुन सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत सालाना 399 रुपए है, लेकिन अगर आप RBC50 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि साल का सिर्फ 199 रुपए, लेकिन सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्माइल, स्माइल का मतलब अलग अलग हो सकता है, ये एग्जैक्ट फेशियल एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। अलग अलग तरीके की स्माइल होती है, जैसे हैप्पी स्माइल्स, शाई स्माइल्स, वार्म स्माइल्स और आयरनिक स्माइल्स। डुशेन स्माइल वो है जिसमें आप अपने मुंह को कॉर्नर की तरफ लेकर जाते हैं और अपनी आंखों को स्क्वीज करते हैं। इसे फेक स्माइल की बजाय एक जेन्युइन स्माइल समझा जाता है। क्या आपने कभी स्माइलिंग आईज के बारे में सोचा है? कुछ लोग डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट के जरिए स्माइल भेजने में बहुत ही अच्छे होते हैं। जब आप एक ऑथेंटिक डुशेन स्माइल दिखाते हैं तो आप लोगों को शो करते हैं कि आप अप्रोचेबल और फ्रेंडली हैं। पैरों को क्रॉस करना, जिस तरीके से आप अपने पैरों को क्रॉस करते हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, और ये भी बताता है कि आप उस टाइम कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप उन्हें अपने एंकल पर क्रॉस करेंगे तो ये दिखा सकता है कि आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उन्हें नी पर क्रॉस करते हैं लेकिन अपनी नीज को उस इंसान से दूर पॉइंट करते हैं तो आप ये शो करते हैं कि आप उनके साथ अनकंफर्टेबल हैं। ज्यादातर केसेस में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने पैर को पूरा जमीन पर रखें। बॉडी लैंग्वेज में कॉमन टर्म है फिगर 4 पोजीशन। इस पोजीशन में बैठने के लिए अपने पैरों को और हाथों को आगे स्ट्रेच करें और अपने नी के ऊपर अपने एंकल को रखें। इस पोजीशन में अपने पैर क्रॉस करके आपकी बॉडी नंबर 4 का शेप बनाती है। फिगर 4 ये बताती है कि आप ताकतवर और डोमिनेटिंग हैं। जब आपके हाथ और पैर ओपन और रिलैक्स होते हैं तो आप एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भेजते हैं कि आप कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल हैं। सुस्त होकर या बैक को चेयर पर लीन करके बैठना, सुस्त बॉडी लैंग्वेज का मतलब यह है कि आप अनफ्रेंडली, एंशियस और बोर्ड हैं। इसका यह भी मतलब है कि आप अपेथेटिक और बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन ने यह पता लगाने के लिए एक स्टडी कंडक्ट की कि बॉडी पॉस्चर और इमोशन के बीच में क्या कनेक्शन है। 74 पार्टिसिपेंट्स को रेंडमली सिलेक्ट किया गया, जिसमें वो सीधे बैठ सकते थे या सुस्त बैठ सकते थे। रिसर्चर्स ने यह कंक्लूड किया कि सुस्त पार्टिसिपेंट्स ने अपने वर्ड्स में ज्यादा नेगेटिव इमोशंस का यूज किया और सिर्फ कुछ ही पॉजिटिव वर्ड्स का यूज किया। जो पार्टिसिपेंट सीधे बैठते थे उनका सेल्फ एस्टीम और उनका पॉजिटिव मूड बढ़ गया था। बहुत ध्यान से देखना, आंखों में स्टडी गेज करना काफी तरीके के इमोशन को जनरेट करता है। जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल हैं तो वो आपको और ट्रस्टवर्दी पाएंगे अगर आप आई कॉन्टैक्ट होल्ड करेंगे। अगर वो आपके बारे में अनश्योर है तो एक लंबा लुक आपको और ज्यादा डरावना दिखा सकता है। अपने हाथ अपने हिप पर रखकर खड़े होना, ये पोज थोड़ा सा ट्रिकी है। कुछ केसेस में इसका मतलब है कि आप गुस्सा फील कर रहे हैं और अग्रेसिवली बिहेव कर सकते हैं, और दूसरों के लिए सिंपली इसका मतलब ये है कि आप एंथुसियास्टिक हैं और किसी भी चीज के लिए रेडी हैं। कोई इसका मतलब कैसे निकालेगा ये आपके पर्सनल स्पेस पर डिपेंड करता है।
अपने दोनों हाथों को पीछे करना, सारी बॉडी लैंग्वेजेस में ये सबसे ज्यादा एम्बिगियस है। लोग अपना हाथ अपने बैक के पीछे काफी रीजन से रखते हैं। कोई भी माफिया मूवी को देख लो जिसमें मेन डॉन पावर शो करने के लिए अपने हाथों को पीछे रखते हैं। मिलिट्री में ऐसे रिस्पेक्ट शो करने के लिए किया जाता है। कई बार लोग इसे क्यूट शो करने के लिए भी यूज करते हैं। जब आप ऐसा शो करें तो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पीछे के इमोशन को भी डिस्प्ले करें। मुंह पर हाथ रखने का मतलब ये हो सकता है कि वो इंसान आपसे सहमत नहीं है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो अपना मुंह कवर कर रहे हैं तो ये सिर्फ डिसबिलीफ नहीं हो सकता। अगर आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं उन्होंने अपना मुंह कवर किया है तो शायद वो आपसे डिसएग्री हैं और वो खुद को बात करने से रोक रहे हैं। इस टाइम उनकी आंखों पर भी अटेंशन दें। अपने लिप को बाइट करना, बहुत सारे लोगों को नर्वसनेस होने लगती है और वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में इसे कॉपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये नर्वस टिक अपने होठों को खाने की फॉर्म में आती है, मगर ये पोटेंशियली एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट जेनिन ड्राइवर के अकॉर्डिंग इस एक्शन से ये दिखता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। फीट को टैप करना या पैरों को हिलाना, फिजिंग का मतलब है कि आप रेस्टलेस हैं और आप कन्वर्सेशन खत्म होने का वेट नहीं कर सकते। ये दूसरों को अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है। इसे ट्राई करें किसी भी सिचुएशन में एंटर करने से पहले, जहां पर आप अपनी टांगे बाउंस करने वाले हैं, साइलेंटली अपने आप को अपनी हैबिट याद दिलाएं। इसे अपने दिमाग में रखना आपको फिजिंग से बचा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिपीटेटिव मूवमेंट्स आपके कंट्रोल से बाहर हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अपनी चेस्ट को बाहर निकालना, ये एक ऐसी चीज है जिसे इंसान जानवरों से बोरो करता है। अपनी छाती को बाहर की तरफ दिखाना डोमिनेंस और अट्रैक्शन का साइन है। मेल अपनी छाती को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं जब वो खुद को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं, कि बॉडी लैंग्वेज की तरह भी यूज होता है जब वो किसी फीमेल से मिलते हैं। फीमेल के लिए ये एट्रीब्यूट सेम नहीं है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो फ्लिप फ्लॉप करते हैं। मेल अपने चेस्ट को इंटीमेट सिग्नल देने के लिए ज्यादा दिखाते हैं लेकिन अट्रैक्शन शो करने के लिए कम। फीमेल इसे अट्रैक्शन दिखाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और इंटिमिडेशन दिखाने के लिए कम। दोनों जेंडर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। आंखों को रब करना, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो अपने ग्लासेस निकालते हैं और अपनी आंखों को रब करते हैं तो उसका मतलब है कि आपने जो अभी कहा है वो शायद उससे खुश नहीं है। जनरली यूज में ये बॉडी लैंग्वेज टायर्ड होने की फीलिंग्स भेजता है। ये यूजुअली यंग एज से ही दिखना शुरू हो जाता है। बच्चे अपनी आंखों को रब करते हैं जब वो टायर्ड होते हैं। एडल्टहुड में जो लोग खुश नहीं है वो दिखाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। घूरना, तो हाई स्कूल किसे याद है? हाई स्कूल में बहुत लोग घूरते थे या फिर घूरे जाते थे। ऑलमोस्ट सभी घूरने से फैमिलियर हैं। आप बिलीव करें या नहीं, दो रीजन हैं जिसके कारण लोग घूरते हैं। अट्रैक्शन सबसे मेन है, जैसे मेल या फीमेल किसी को घूरते हैं जब वो उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरा रीजन है डोमिनेंस। अगर आप किसी को घूर रहे हैं और वो भी आपको घूर रहे हैं, इनमें से जो पहले आई कॉन्टैक्ट को हटाता है उसे कम डोमिनेंट माना जाता है। तो दोस्तों, ये 20 ही फॉलो करना काफी मुश्किल है, मगर ऐसे 100 से भी ज्यादा बॉडी लैंग्वेज इंडिकेटर्स हैं। आपका सर, आंखें, पॉस्चर, हाथ, पैर सब कोई ना कोई इमोशन शो करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि बॉडी लैंग्वेज काफी सेंसिटिव हो सकती है। बॉडी लैंग्वेज के बारे में इससे भी ज्यादा अमेजिंग चीज है इसका यूज। आप बॉडी लैंग्वेज का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि आप जिससे अट्रैक्टेड हैं वो आपसे अट्रैक्टेड हैं या नहीं। बहुत सारे केसेस में, खासकर जॉब इंटरव्यूज में, एम्प्लॉयर्स आपकी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे और अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बना पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक के नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।